देहरादून सही है। मैं ये इनका फर्स्ट टाइम आया, मेरा तो मैं 4 साल पहले आया था। उस समय तो मतलब लेक पूरी नीली दिख रही थी। ये मैं आया था, गर्मी हो रही थी उस वक्त, गर्मियों में। हाँ हाँ अच्छा तभी है। मेरे को लगा लेक गंदी हो रही है। 120 फीट गहरी है ये, 120 फीट गहरी है। तो तैर लेगा, तो तैर लेगा है भाई। 40 तो भाई टीरी में, भाई टीरी लेग में इतना वो है। आर्टिफिशियल है ना, ये नेचुरल है। ये नेचुरल कैसे है? ये जब इसकी खोज हुई थी लेक थी। अच्छा 1828 में खोजी है नैनीताल। 1828 अंग्रेज ने कर की खोज, पीटर बैरन अंग्रेज था, उसने करी है खोज। सही है। हो गया मौसरी, हो गया सब अंग्रेज ने तो बसा रखे। जितने भी हिल स्टेशन है मैक्सिमम हाँ अंग्रेजों का। ये क्या रहा है? ये कब से है नैनीताल जी? 1928 से सही है। 200 साल बढ़िया है। टिहरी लेक तो 2005 में हुआ था उसका। तो वो तो क्या कहते हैं, नई टिहरी बनाई है, पहले पुराना टिहरी था उसमें। कभी कभी जब पानी कम होता है तो पुराने का डूबे हुए दिखेंगे आपको। उसमें डैम बना रखा ना भैया, नदी का पानी रोक के, मतलब वो ही हुई आर्टिफिशियल। हाँ वो आर्टिफिशियल, ये नेचुरल है। और समुद्री तल से कितना दूर ऊपर है ये? 19,000 ऊपर है, मतलब समुद्री तल से। कितनी गहरी है? 120 फीट के लगभग है। एक्वेट का पता ही नहीं चला। आप गूगल में सर्च करोगे 20 मीटर लगभग कहेगा। हैं मछली है इसमें? मछली है, पूरे नैनीताल का पानी भी इसी से सप्लाई होता भैया। नगोचा ये अंदर से निकलता भैया, स्प्रिंग वाटर है। यहाँ फिशिंग होती है? नहीं अलाउड नहीं है। नगोचा तालाब में देखा लोगों फिशिंग करते हुए। भैया आप अपने साइड को बैठो, आप अपने साइड रहो तो बढ़िया बैलेंस बन। तुम क्यों नाव डिसबैलेंस कर रहे हो? यहाँ तो अलग ही यार। ग्रुप कॉल करना, अब अभी नॉर्मल कॉल कर ले, फिर ना उनको कॉल बैक कॉल करना। वो तो नहीं उठाने वाले, उसका तो रिचार्ज ही नहीं है। और लोग भी आए हैं संग में? नहीं वो सब हम तीन ही हैं। हम लोकल वाला घुमाने को लोगों से। अरे चाइना पीक कितना दूर है? चाइना पीक वो है देखो जो टॉप दिख रहा, ये चाइना पीक है। यहाँ से दिखता है ना चाइना पीक? नाम है उसका। अच्छा ओके, उस चाइना पीक से क्या दिखता है वैसे? वहाँ से यही शहर दिखेगा, मैंगो शेप में बिल्कुल लेक। वो चीज आपको इधर से भी दिख जाएगी जब गाड़ी से घूमने जाते हैं ना। हाँ वहाँ जाओगे तो पूरा दिन चाहिए भैया, कम से कम 3.5-4 किलोमीटर खड़ी चढ़ाइए पैदल। और ये भीमताल की क्या स्टोरी है? भीमताल की क्या स्टोरी है? कहते हैं कि भीम ने अपनी हाथ मारा था तब जाके लेक बनी है वो। नाइस यार, कहते हैं। देखा किसने भैया? और एक वो भी तो भीमकुंड भी है, पता नहीं वो तो ऊपर है सर, ये बद्रीनाथ से घर, वो भी गहरा बहुत है वो। लोग लोगों भैया उनकी फोटो लगा, बढ़िया फोटो। अब फोटो खींचते हैं, कितने